जी गुरु जी को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हमारे एक परम मित्र थे, काफी घुमक्कड़ किस्म के, आध्यात्मिक है तांत्रिक नहीं। एक बार वो हरिद्वार से लौटे तो उन्होंने अपनी एक कहानी मुझे बताई। उन्होंने बोला कि वो हरिद्वार में गंगा तट पर किसी आश्रम में रुके हुए थे और जो आश्रम के महंत थे वो काफी सिद्ध व्यक्ति थे। आश्रम में एक नियम था कि गंगा की तीर पर संध्या आरती के बाद कोई नहीं जाता, और वो मूलभूत रूप से अपने परिवार के साथ गए थे तो कुछ अच्छा समय कैसे बीते। तो संध्या में वो उस बात का उल्लंघन करते हुए, ये सोच करके हम गृहस्थ हैं हमें साधकों का नियम क्यों मानना है, और वो गंगा के तीर पे जाके दोनों बैठ गए। कुछ देर जब वो वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बीच गंगा से एक आकृति उभरी, फिर दूसरी आकृति उभरी और दोनों इनकी तरफ बढ़ने लगे। शुरुआत में तो ये थोड़े रोमांचित हुए कि ये कैसा, मतलब अंधेरा उठता हुआ भाप, ये किस तरीके की चीज़ है जो हमें दिखाई दे रही है, जो है नहीं, तो मान के चल रहे थे नहीं है। लेकिन धीरे धीरे दोनों की आकृति बढ़ती चली गई, जो दो आकृतियाँ दिख रही थी, और ऐसा मानना जा सकता है कि वो धीरे धीरे उनका रफ्तार बढ़ने लगा और वो इनकी तरफ दौड़ने लगे, ऐसे कि अब आक्रमण होगा इन पर। ये दोनों हड़बड़ाए उठे, तब तक वो दोनों गायब हो गए। महंत के जो सेवक थे वो इनके पीछे आकर खड़े हो गए थे उस समय, और उन्होंने बोला कि महंत जी ने आप लोगों को अविलंब बुलाया है। जब ये वहां पर गए तो महंत जी ने इन लोगों को बहुत डांटा और बोला कि आपको तो मना था कि आप संध्या बेला में उधर नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो तो सही है प्रभु जी, लेकिन हमने देखा क्या। तो उन्होंने बोला ये राक्षस थे, ये राक्षस भ्रमण करते हैं नदियों के तीर पे, मनुष्यों का जाना प्रतिबंधित है, साधक के क्षेत्रों में ये प्रवेश नहीं करते और साधक इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। इस विषय को मन में लिए हुए हम एक गुरु महाराज के साथ हरिद्वार में पहुंच गए, और हरिद्वार में एक पूरा जमावड़ा लगा हुआ था शिष्यों का, जो वर्तमान परिवेश है उसमें गुरु मिलना, समर्थ गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हम वहां पहुंचे, हवन में औघड़ थे तो हवन में एक सामग्री घट रही थी, वो था चिता। अच्छा, बाकी भारत में तो जो चिता है वो बहुत दिन बाद आधुनिकरण हुआ शमशान घाटों का, हरिद्वार में बहुत दिन पहले से सीसीटीवी ऑफिस, हाँ, पूरा
जो एक व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था उस समय भी थी। तो आप घुस जाओ हरिद्वार में आज से 15 साल पहले और वहाँ से चिता से कुछ निकाल के ले आओ, ये असंभव था। लेकिन हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि गुरु को कैसे इम्प्रेस करें। हम गए, अपना ले करके आ गए और गुरु हमसे जब प्रसन्न हो गए, हवन समाप्ति हुई, तो उन्होंने हमसे पूछा कि चलो आज तुम कुछ मांग लो। तो हमने उनको बोला कि हमें राक्षस चाहिए। ठीक है, राक्षस जो होता है, राक्षस और ब्रह्म राक्षस में एक अंतर होता है, लेकिन हम दो अलग कोने के लोग थे। उन्होंने ब्रह्म राक्षस समझा और हमें बोला कि हम आपको ब्रह्म राक्षस की साधना यहीं करवाएंगे और आप 9 दिन का डेरा डंडा यहीं पे नदी के तीर पे लगा लो और यही जगह है जहाँ पर ये साधना हो सकती है। अब इतनी हिम्मत नहीं थी, अब तो गुरु चेले दोस्त होते हैं, इतनी हिम्मत नहीं थी हमें कि हम उनको बोल दे कि हमें राक्षस चाहिए। राक्षस क्या होता है ये कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो साधना हमने करी और जो नहीं सोचा था, जैसा कभी सोचा नहीं था, वैसा एक दर्शन एक शक्ति का मुझे हुआ। सातवें दिन मुझे ध्यान है कि हम अपना ध्यान व्यान करके पूजा संपन्न करके और सोने की तैयारी में थे, तो एक व्यक्ति आकर के मेरे समक्ष बैठ गया। उसने बोला कि तुम काफ़ी कम उम्र के हो और साधना कर रहे हो, क्या विषय है? तो हमने उनको पूरी कथा बताई कि हमने सुना था कि यहाँ पे राक्षस होते हैं, हमें तो राक्षस चाहिए था पर गुरु महाराज ने शायद कुछ और सुन लिया, तो अब हम ब्रह्म राक्षस की साधना कर रहे हैं, पहला चरण उसका भी हम करने वाले हैं। तो ये जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा ये हुआ था, ये बड़ा दिव्य स्वरूप का व्यक्ति था, लग रहा था कि किसी मंदिर का पुजारी हो। तो और इसका इसका जो बोल चाल था, इसकी जो भाषा थी, वो गुजरातियों की तरह थी। ये दिख नहीं रहा था, मतलब ये इसने अपने बारे में बताया कि हम नेपाल की सीमा से आते हैं, दिखने में वैसा ही दिख रहा था वो। हाँ, बोला कि हिमालयन रेंज से आते हैं, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था तो हम जा करके छिप गए थे गुजरात में। फिर उसने बोला कि ये जो शक्तियाँ हैं इसको साधना नहीं चाहिए, इन शक्तियों को साधना गलत है। हमने बोला नहीं, हमने देखा है लोगों को कि उन्होंने सिद्ध किया है, हमने देखा कि राक्षसों से आम लोग बच के निकल गए, सिर्फ महंत जी पीछे आ गए थे, कहानी बताई हमने। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ पे महंत जी ने ज़रूर किसी मंत्रोच्चारण का प्रयोग किया होगा। उन्होंने बोला खैर ठीक है। उन्होंने बताया कि राक्षस की साधना एक गुरु ने किया और उस गुरु के चार परम शिष्य हुए, चार में से चारों को उन्होंने अपनी शक्तियां बांट दी। तो एक शक्ति जो थी वो राक्षस की शक्ति थी, गुरु ने खुद सिद्ध कर रखी थी। एक को गंधर्व की शक्ति दी थी, एक को वायु मार्ग से चलने की शक्ति दी थी और अंतिम को कपालिक शक्ति कुछ दे रखी थी। तो हमारे मन में तो मतलब हमारे आंखों से शायद उन्हें ये सब आभास हो गया कि हम जानना चाह रहे हैं कि वो गुरु कहाँ है किसको
ये पांचवा शिष्य उनका तैयार है। होता क्या है कि जब आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोग जो हैं आपको, हर व्यक्ति अट्रैक्ट करता है जिसके पास आपको लगे कि कुछ मिल जाएगा आसानी से। तो उन्होंने विषय को पकड़ा, उन्होंने बोला कि देखो वो अब नहीं रहे, उनकी तो बहुत खराब मृत्यु हुई। अंत समय जब आया तो वो बिल्कुल पागल हो गए थे और जो उनकी शक्तियाँ थीं वो उनके शरीर से रक्त लेती थी। तो दिन भर में वो कई बार अपने शरीर पर छुरा मार करके अपनी शक्तियों को खून पिलाते थे, और रात में जो उनके चेले थे वो जो महादेव रक्षा सूत्र होता है या फिर भगवती का जो कवच होता है, हनुमान चालीसा होता है, जिसको जो आता था वो पढ़ पढ़ करके रात में गुरु सोए इसलिए जो है बगल में बैठ के जाप करता रहता था। और बहुत दर्दनाक उस गुरु की मृत्यु हो गई, फिर उसने हमारी आंखों में ललक देखा, फिर हमने उस मतलब खुद जवाब दे दिया, पूछा नहीं। मैंने बोला ना बहुत प्रतापी व्यक्ति वो लग रहे थे, उनके आंख में वो बात थी कि हाँ इनके पास साधनाएं हैं। और उन्होंने बोला उनके चारों शिष्य भी पागल होके मरे, लंबे जीवन कालखंड को उन्होंने जिया परंतु सबकी जो मृत्यु हुई वो पागलखाने में ही हुई। तो ये साधना आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमने बोला कि हमने तो साधना कर ली, अब साधना जब शुरू की है तो बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला साधना करके क्या प्राप्त करोगे? तो हमने बोला कि हमें ज्ञान चाहिए, और क्या काम करवाओगे? हमने बोला हम कोई काम नहीं करवाएंगे। उन्होंने ठीक है साधना पूरी कर लो। ये जब साधना समाप्त हुई तो कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो जो व्यक्ति थे, कई बार ऐसा जीवन में होता था कि मैं फंसता था, कुछ ग्रंथ ना समझू, कोई मंत्र ना समझू, तो ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ में मुझे कोई जो मेरे सामने रिडल है उसको सुलझा रहा है, उसको समझा रहा है मुझे। और ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। और ब्रह्म राक्षस का क्या है, विद्या क्या नहीं है, वो हम सब भूल गए। बहुत हाल में हमारे गुरु जी ने हमें उत्तराखंड बुलवाया और हमें डांट पड़ी कि आपने गलत मार्ग चुन लिया, आपको इस मार्ग में नहीं आना था। उनकी जो सेवा करते हैं तिवारी जी हैं, उन्होंने बोला कि आपको अकेले आने बोला था, आपके साथ एक शक्ति है, ये क्यों है? इससे भी गुरु जी नाराज थे। तो हमने बताया हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तब ये ज्ञात हुआ कि उस दिन से वो ब्रह्म राक्षस हमारे साथ था। इसमें फिर हमें और बोध कराया गया और बताया गया कि ये रक्षा के दृष्टिकोण से कई जन्मों के साथ हमारे साथ था। और जो उस दिन हरिद्वार में जो गुरु को हमसे हमारे बोलने पे जो उन्होंने गलत सुना, वो गलत सुना नहीं, वो ऐसा एक संरचना था, माया जाल था, जिसमें उनको राक्षस की जगह ब्रह्म राक्षस सुनाई दिया ताकि ये इस जीवन में फिर से मुझसे जुड़ सके। तो अपनी शक्तियों के बारे में किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन इस शक्ति की जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी ये शक्ति है नहीं, ये शक्ति मेरे साथ है, ये शक्ति मेरे साथ चलती है। और कई जगहों पर मुझे आज भी रास्ता बताती है, मुझे समझाती है कि क्या होना है, क्या नहीं करना है। कोई किताब में अगर मैं कोई मंत्र में फंस जाऊं तो ये मुझे बताती है कि इसको कैसे समझना है, इसका क्या अर्थ होता है, और ये मुझे बस उसकी आवाज़ की तरह मुझे मेरे दिमाग में चलता रहता है। क्या सत्य क्या असत्य, अघोर का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है, इतना भी सहज नहीं है समझना। लेकिन शक्तियों को अगर आप रखते हैं तो सिर्फ ज्ञान के लिए रखिए, काम के लिए रखिएगा तो वो जो एक गुरु और उसके चार चेले थे, वो कहानी हम में से हर एक पर लागू हो सकती है, हर एक के साथ वैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव, रांची वाले भैरव बाबा, आप सभी को अनंत सिद्धियां दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आलाख आदेश।
देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालये न्यसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।